हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। पहले ये जानते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है क्या। स्केलर इन विच अ सिंगल नंबर इज मल्टीप्लाइड विद एवरी सिंगल एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स, मींस ये हमारी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की, ये हमारा सिंगल नंबर है, ये सिंगल नंबर इन सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। इन द स्केलर वेराइटी एवरी एंट्री इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर कॉल्ड अ स्केलर, और जिस नंबर से हम सभी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम स्केलर कहते हैं। तो ये नंबर मेरा स्केलर है और इन सभी एंट्रीज से मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं 3 को 5 से करूँगी, 2 से, 11 से, 9 से, 4 से और 14 से। ये नंबर इन सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैं 3 को 5 से करूंगी, देन 3 को 2 से, 3 को 11 से, 3 को 9 से, 3 को 4 से, 3 को 14 से। तो 5 3 15, 9 3 27, 3 2 6, 4 3 12, 3 × 11, 33, 14 × 3, 42। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक सिंगल नंबर को सभी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करना, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।